हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी नॉवेल पढ़ेंगे और वह नॉवेल है नाइटमेयर अबे। इसको लिखा था थॉमस लव पीकॉक ने और ये पब्लिश हुई थी 1818 में। एंड फ्रेंड्स, ये इनका थर्ड लॉन्ग वर्क है फिक्शन का। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आइए देखते हैं कि इस नॉवल में क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट इफ़ टिल नाउ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज नाउअडेज़ आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच मे बी आस्क्ड फॉर द अपकमिंग UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर। एंड इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम्स, आई एम श्योर माई वीडियोज विल हेल्प यू अलॉट। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस नॉवल में क्या है। फ्रेंड्स, इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है क्रिस्टोफर ग्लोरी से, जो कि एक विडोवर है और अपने बेटे स्काई थ्रॉप के साथ रहता है। ये लोग जिस मेंशन में रहते हैं, मींस जिस घर में रहते हैं, वो बहुत ही डिकेड कंडीशन में है, जिसकी वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस दिखता है, मींस बहुत रूइनिंग कंडीशन में है। ये जो क्रिस्टोफर ग्लोरी हैं, इनके घर के जो सर्वेंट्स हैं, मीन्स ये बहुत ही ग्लूमी नेचर के हैं, इनको बहुत सैडनेस बहुत ज़्यादा इनको पसंद है और ये चाहते भी हैं कि इनके घर के जो सर्वेंट हैं वो भी उसी टाइप के हों। तो इनके जो सर्वेंट हैं, जिसमें रावन नेम है, ग्रेव्स नेम है, डेथ शेड नेम है इनके सर्वेंट्स का, तो आप नेम से ही समझ सकते हो कि किस तरीके के इनका घर का एटमॉस्फेयर होगा। फ्रेंड्स, इनके मेंशन में, मीन्स नाइटमेयर एबे में, बहुत सारे विजिटर्स भी फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहते हैं, जिनमें की है मिस्टर फ्लॉस्की, मिस्टर टूबेड, मिस्टर लिस्टलेस, मिस्टर साइप्रेस। फ्रेंड्स, ये हमेशा इनके घर पे विजिट करते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस नॉवल को इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर्स जो रियल राइटर्स पे बेस्ड हैं, उनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मिस्टर फ्लॉस्की का कैरेक्टर बेस्ड है एस्टी कोलरिस पे, मिस्टर साइप्रेस का कैरेक्टर बेस्ड है लॉर्ड बायरन पे, एंड मिस्टर लिस्टलेस जिनका कैरेक्टर बेस्ड है सर लूमली स्कैफिंगटन पे। और फ्रेंड्स, ये जो इनका बेटा है क्रिस्टोफर ग्लोरी का स्काई थ्रॉप, ये बेस्ड है पीबी शैली पे। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि थॉमस लव पीकॉक का एक वर्क आया था 4 Ages of Poetry, उससे इन्फ्लुएंस होके ही पीबी शैली ने अपना वर्क लिखा था द डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो फ्रेंड्स, ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस स्टोरी की ओर। तो फ्रेंड, क्रिस्टोफर ग्लोरी जो कि एक विडोवर है, अपने बेटे स्काई थ्रॉप के साथ रहता है। उनके घर के जो सर्वेंट्स हैं, उनके नेम भी इस तरीके से हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनके घर का ना ग्लूमी नेचर है। जो विजिटर्स हैं वो भी सेम माइंडेड है, मीन्स जैसा क्रिस्टोफर ग्लोरी सोचते हैं वैसा ही इनके यहाँ जितने भी फ्रिक्वेंट गेस्ट आते हैं, विजिटर्स हैं, उनका भी सेम टू सेम वैसा ही नेचर होता है। ये क्रिस्टोफर ग्लोरी का जो बेटा होता है स्काई थ्रॉप, ये रिसेंटली अभी एक लव अफेयर से ही रिकवर हुआ है और ये जर्मन रोमांटिसिज्म पे एंड ट्रांसकेंडेंटलिज्म मेटाफिजिक्स पे ये अपनी रिसर्च करता है। और ये इस तरीके से उस पर लिखता है कि एग्जैक्टली वो ना समझ ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली उसने लिखा क्या है उस रिसर्च के बाद, और उसके बाद वो उस रिसर्च को पब्लिश कराता है। तो उस रिसर्च की सिर्फ 7 copies ही सेल होती है मार्केट में। तो स्काई थ्रॉप क्या समझता है कि ये 7 copies है, ये 7 एक ना मिरेकल नंबर है, एक मिस्टिक नंबर है ये, और ये जो 7 persons है ये ही मेरी ट्रेटिस को, मेरी रिसर्च को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इस चीज़ पर वो बिलीव करता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्रिस्टोफर ग्लोरी होते हैं, इसके फादर में स्काई थ्रॉप के फादर क्रिस्टोफर ग्लोरी, इसके फ्रेंड आते हैं, मीन्स मिस्टर हिलारी एंड मिसेस हिलारी, उनके साथ उनकी नीस भी आती है जिसका नाम होता है मैरिनेटा सेलेस्टिया ओ कैरोल। यहाँ पे इस नॉवल में हम इसको मैरिनेटा के नाम से पढ़ेंगे। तो ये मैरिनेटा आती है तो ये स्काई थ्रॉप के साथ फ्लर्ट करने लगती है और बहुत ही जल्दी स्काई थ्रॉप ना इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने
करने लगता है। फाइनली इनके फादर को ये चीज़ पता नहीं होती है कि स्काई थ्रॉप मैरिनेटा को प्यार करता है, लेकिन क्रिस्टोफर ग्लोरी को, मिस स्काई थ्रॉप के फादर को, कुछ टाइम के बाद ये पता चलता है कि मिसेस हिलैरी का यहाँ पे आने का जो इंटेंशन था वो सिर्फ ये था कि वो प्रॉपर्टी चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर हिलैरी इनके ब्रदर इन लॉ होते हैं। अब फ्रेंड्स, जब इनके फादर को ये पता चलता है कि जो मैरिनेटा है इसका पर्पज़ कुछ और है और मिसेस हिलैरी का पर्पज़ कुछ और है, तो ये अपने बेटे को मना करते हैं स्काई थ्रॉप को कि तुम अपना पूरा इंटेंशन मैरिनेटा पे मत लगाओ और वो ये चीज़ ना करना ठीक नहीं है। और तो मिसेस हिलैरी यहाँ से जाने के लिए पैकिंग करने लगती हैं, तो स्काई थ्रॉप ना वार्निंग देता है अपने फादर को कि अगर मैरिनेटा यहाँ से गई तो मैं पॉइजन खा लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। तो इसके फादर क्रिस्टोफर यहाँ पे मिसेस हिलैरी को रोकते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ पे कुछ टाइम तक और रुक जाओ, क्योंकि स्काई थ्रॉप का मन है कि मैरिनेटा यहाँ पे बनी रहे। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे इनके फादर को ये फाइनली नहीं पता था कि एग्जैक्टली दे आर लव विद ईच अदर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तो रुक जाते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है मिस्टर एस्टरीज। मिस्टर एस्टरीज जो होते हैं वो इस समय रिसर्च कर रहे हैं, मीन्स रिसर्च किस पे कर रहे हैं, मरमेड पे और ट्राइटन्स पे। फ्रेंड्स, मरमेड जो कि एक फिश होती है, और ये माना जाता है कि जो मरमेड होती है उसका जो हाफ पार्ट होता है वो एक फीमेल का पार्ट होता है, जबकि उसका जो मिडिल टू लास्ट पार्ट होता है वो एक फिश एक जैसी टेल होती है, उसको मरमेड बोलते हैं। और ट्राइटन्स मीन्स माना जाता था शी गॉड। तो मिस्टर एस्टरीज जो वहाँ के गेस्ट होते हैं अपने बेटे के साथ आए थे, उनके बेटे का नाम होता है एक्वेरियस। ये आते हैं तो सारे गेस्ट इनसे बातें करने लगते हैं कि किस तरीके से ये इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, इनकी ये थ्योरी है कि मरमेड अभी भी इस टाइम पे यहाँ पे है। और उनके आने का रीज़न ये था कि जहाँ पे ये नाइटमेयर एबे बना हुआ था उसके कोस्टल एरिया पे इन्होंने, इनको लग रहा था कि शायद वहाँ पे मरमेड है, इसलिए अब रिसर्च की वजह से ही वो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यहाँ पे इन्होंने विज़िट किया हुआ था। अब फ्रेंड्स, स्काई थ्रॉप के जो फादर थे क्रिस्टोफर ग्लोरी, उन्होंने क्या किया कि उनके यहाँ जो विजिटर थे मिस्टर टूबेड, उनकी डॉटर सेलिंडा के साथ अपने बेटे की इन्होंने इंगेजमेंट फाइनल कर दी। लेकिन ये चीज़ अभी तक स्काई थ्रॉप को नहीं पता था। जब मिस्टर टूबेड ने अपनी बेटी सेलिंडा को ये बताया कि तुम्हारी इंगेजमेंट स्काई थ्रॉप के साथ फाइनल कर दी है, तो वो अपना घर छोड़ के भाग जाती है और उसके बाद वो नहीं मिलती, कहाँ मिसिंग है किसी को कुछ नहीं पता। तो उसके बाद जब क्रिस्टोफर ग्लोरी को ये पता चलता है कि स्काई थ्रॉप उनका बेटा मैरिनेटा से प्यार करने लगा है, तो उनके फादर इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर टूबेड की जो डॉटर थी सेलिंडा उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो सेलिंडा को तो पता नहीं चल रहा है, तो इसकी जो इंगेजमेंट है वो मैरिनेटा के साथ ही कर देते हैं। अब जो नेटा होती है वो फाइनली ये इस पर विश्वास कर लेती है कि अब मेरी शादी ना स्काई थ्रॉप के साथ हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ दिन के बाद अचानक स्काई थ्रॉप के जो नेचर में है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंजमेंट आने लगता है, मीन्स उसके एटीट्यूड में, उसके मैनर्स में, और वो बहुत ही ज़्यादा ना मैरिनेटा पे ध्यान नहीं दे रहा है जितना वो कि वो पहले दिया करता था। तो मैरिनेटा यहाँ पे उसको कन्फ्रंट करती है कि देखो, अगर तुम इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करोगे तो मैं ना तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊँगी, फिर तुम बाद में मुझसे मत बोलना। तो यहाँ पे फिर से स्काई थ्रॉप इसके ऊपर ध्यान देने लगता है, लेकिन एग्जैक्टली रीज़न कुछ और ही होता है। अब फ्रेंड्स, ये मिस्टर टूबेड यहाँ पे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तो उसके पहले वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं जाऊँ और क्रिस्टोफर ग्लोरी से जाके विज़िट कर लूँ। जब मिस्टर टूबेड यहाँ पे क्रिस्टोफर ग्लोरी के यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे सारे विजिटर्स यहाँ पे बैठे हुए होते हैं और सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कि मिस्टर एस्टरीज भी बात करते हैं कि कैसे हम लोग मरमेड को ढूंढ सकते हैं और मुझे मरमेड पे रिसर्च करना है, आई एम श्योर कि मुझे यहाँ पे मरमेड कुछ दिनों के बाद मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे एक ये सीक्रेट रिवील होता है कि शायद इन लोगों ने ना लाइब्रेरी में घोस्ट को देखा है बातें करते हुए। तो मिस्टर टूबेड बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जाके एग्जैक्टली पता करने की कोशिश करता हूँ कि वो है क्या।
तो मिस्टर टू बेड जाते हैं और मिस्टर टू बेड उस मिस मोड़ के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो सीक्रेट रिवील होता है कि एग्जैक्टली भी कोई घोस्ट नहीं था, वहाँ पे एक लड़की थी। और वो लड़की कौन होती है? वो लड़की थी सेलिंडा, जिसने कि अपना नाम स्टेला बताया हुआ था स्काईथ्रॉप को। अब फ्रेंड देखिए क्या हुआ था, जो मिस्टर एस्टरीज थे जो कि ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने कोस्टल एरिया के पास एक मरमेड देखी है, क्योंकि रात का टाइम था तो बहुत अच्छे से देख नहीं पाए थे, तो वो मरमेड नहीं थी, वो थी वहाँ पे उस टाइम पे सेलिंडा, सेलिंडा थी। और वो वहाँ से भाग के आती है यहाँ पे स्काईथ्रॉप के पास, तो स्काईथ्रॉप का जो सीक्रेट चैम्बर था वहाँ पर उसने इसको छुपा के रख दिया। और एग्जैक्टली यहाँ पर सेलिंडा ने उसको बताया कि जो तुम्हारी ट्रीटीज मीन्स जो तुम्हारी रिसर्च पब्लिश हुई थी उसमें मैं 7 लोगों ने पढ़ा था, उसमें एक मैं भी हूँ जिसको मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे स्काईथ्रॉप को ना बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल लड़की है, और ये इसको अपने रूम पे रख लेता है। उसके बाद इसको ना सिलिंडा से प्यार हो जाता है, सिलिंडा मतलब स्टेला से इसको प्यार हो जाता है। इसी वजह से इसके नेचर में चेंजमेंट आया था जब मैरिनेटा ने इसको बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी क्योंकि तुम ना डे बाय डे चेंज हो रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जब मिस्टर टू बेड को ये चीज़ पता चल जाती है यहाँ पे लड़की है, तो यहाँ पे वो लड़की तो अभी छिप गई थी इनको देख कर, तो यहाँ पे मैरिनेटा आ जाती है और वो यहाँ पे स्काईथ्रॉप को बोलती है कि अच्छा तुम यहाँ पे दूसरी लड़की के साथ रह रहे हो और मैं तुम्हें ना यहाँ से हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊँगी और मैं तुम्हारा फेस कभी भी नहीं देखूँगी। जब ये चीज़ सेलिंडा सुनती है तो वो भी बाहर निकल आती है, और क्योंकि उसको पता था अच्छा मेरे अलावा स्काईथ्रॉप मैरिनेटा को भी प्यार करता है, तो सेलिंडा भी वापस निकल आती है। जैसे ही सेलिंडा को मिस्टर टू बेड देखते हैं तो कहते हैं कि अरे तुम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो उसने अपना नाम स्टेला बताया था लेकिन यहाँ पे उनकी डॉटर सेलिंडा थी। और सेलिंडा भी कहती कि अच्छा तुम यहाँ पे मैरिनेटा को प्यार करते हो, तो वो भी यहाँ से छोड़ के चली जाती है। अब और फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी सारे विजिटर्स होते हैं ये सारे भी चले जाते हैं। अब इसके बाद बचता है स्काईथ्रॉप, उसके फादर और उसके घर के सारे सर्वेंट्स। अब स्काईथ्रॉप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपने ना सर्वेंट राविन को बोलता है कि तुम जाओ मेरे लिए एक पिस्टल लेके आओ। उसके बाद इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है और दोबारा बोलता है कि तुम जाओ मेरे लिए एक बॉयल्ड फाउल पीस लेके आओ और मदरा लेके आओ, मदरा मीन्स वाइन लेके आओ। उसके बाद सोचता है मैं सुसाइड कर लूँगा। जब इसके फादर क्रिस्टोफर ग्लोरी को पता चलता है कि मेरा बेटा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बोलते हैं कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं या तो सेलिंडा में या फिर मैरिनेटा दोनों लड़कियों में से मैं किसी को भी एक को मना के लाऊंगा जो कि तुमसे शादी कर ले। तो यहाँ पे स्काईथ्रॉप बोलता है कि ठीक है मैं आपको सिर्फ 1 वीक का टाइम देता हूँ, 1 वीक से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं, अगर आप वापस नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूँगा। इसके फादर बोलते हैं ठीक है। अब फ्रेंड धीरे धीरे 1 वीक ना निकल जाता है, 1 वीक के बाद इसके फादर नहीं आते तो यहाँ पे ये अपने आप को कंसोल करता है, सोचता है कि शायद मेरी घड़ी ना फास्ट चल रही होगी इसीलिए अभी तक ना अब मुझे अभी मुझे सुसाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे फादर ज़रूर आएंगे। उसे कुछ टाइम के बाद मीन्स कुछ डेज़ के बाद इसके फादर आते हैं, लेकिन वो अकेले होते हैं। उनके पास 2 लेटर होते हैं, एक लेटर होता है सेलिंडा का और दूसरा लेटर होता है मैरिनेटा का। सेलिंडा ने ये लिखा था कि तुम ऐसा करो तुम मैरिनेटा से शादी कर लो क्योंकि मैं मिस्टर फ्रॉस्की से शादी करने जा रही हूँ और तुम मैरिनेटा के साथ खुश रहो। दूसरा लेटर था मैरिनेटा का जो कि ये कह रही थी कि तुम ऐसा करो तुम ना सेलिंडा से शादी कर लो और तुम उसके साथ खुश रहो क्योंकि मैं तो मिस्टर लिस्टलेस के साथ शादी करने जा रही हूँ। ये लेटर पढ़ने के बाद स्काईथ्रॉप उस लेटर को फाड़ के फेंक देता है और अपने आप को ये कंसोल करता है कि ना मैं एक दिन बहुत ही अच्छा एक ऐसा मिसेंथ्रोपिक पर्सन बनूंगा क्योंकि जो रिसेंट एक्सपीरियंस है उसके बाद ना मुझे लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत होने लगी है। और उसके बाद फाइनल वो क्या बोलता है, अपने सर्वेंट को रावण को बुलाता है और बोलता है कि तुम जाओ मेरे लिए मदरा लेके आओ। और यहीं पे ये फ्रेंड्स नॉवल ख़त्म हो जाती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊँ, इसका जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है वो स्काईथ्रॉप जो कि अपने फादर क्रिस्टोफर ग्लोरी के साथ रह रहा है।
इसके फादर जो कि विडोवर हैं, स्काईथ्रॉप यहाँ पे उसका एक अफेयर होता है, वो अभी उसे रिकवरी कर रहा है। तो अपने आप को बिजी रखने के लिए वो जर्मन रोमांटिसिज्म पे और ट्रांसकेंडेंटलिज्म मेटाफिजिक्स पे वो रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद वो जो भी उसकी फाइंडिंग्स होती हैं उसको वो इस वे में पब्लिश कराता है जिसको कि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके जो घर है, इसका घर है वो बहुत ही डिकेड कंडीशन में है, बहुत डरावना घर है जिसपे रिसेंटली बहुत सारे लोग विजिटर्स होते हैं। और यहाँ पे इसको एक लड़की मैरोनेटा से प्यार हो जाता है जो कि मिस्टर एंड मिसेस हिलैरी की नीस होती है। ये लड़की से प्यार हो जाता है। इसके साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है सेलिंडा, जो कि सीक्रेटली इसके चैम्बर में रह रही थी। इसको उससे भी प्यार हो जाता है, लेकिन फाइनली ये चीज़ रिवील हो जाती है और दोनों लड़कियाँ मीन सेलिंडा जो कि अपने आप को स्टेला बता रही थी स्काईथ्रॉप को, और दूसरी लड़की मैरोनेटा, ये दोनों ही यहाँ से इसको छोड़ के चली जाती हैं। और फाइनली ये सोचता है कि मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं आगे चल के ना इस वर्ल्ड में लोग मुझे मिसेंथ्रोपिक नाम से जानेंगे और समझेंगे मुझे। और फ्रेंड्स यहीं पर नॉवल ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिमूव योर प्रॉब्लम। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।